की। आप लोगों को क्या क्या कहना तो कहे तो दिया आप लोगों ने। मंजूरी होना नहीं होना बात अलग वस्तु, कहने तो देना चाहिए ना। कहने से क्या होता है, कुछ हल्का हो जाता है। रही बात यही सहराई, सहराई सहराई तक तो आए थे पिपरिया और सहराई तक, लेकिन वह योग नहीं था कहो या नियोग ही ऐसा था, कुछ भी कह दो, हुआ नहीं तो हम क्या कर सकते बताओ। अब जिधर जो है हवा लग जाए, हवा का झोंका, बादल उधर ही चले जाए, बादलों के पास पानी होने के उपरांत भी हवा का नियंत्रण भी होना चाहिए, नहीं होने से ऐसा होता है। और ये बात तो भूल जाओ हमारा पाप है, ऐसा नहीं, ये तो एक प्रकार से सबसे ज्यादा जो प्रतीक्षा करता है उसको सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है। हाँ, जो आकुलता करने से फिर पुण्य घटता जाता है, आकुलता न करियो। हाँ, और इन्होंने अब जब हमारे नसीब में है तो हो जाएगी, हो जाएगी। आते रहे आते रहे आते रहे, किंतु योग तो योग है। आप कह दो महाराज जी हमें याद ही नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। हम गए थे सोनागिर देवगढ़ से दीक्षा कुछ ब्रह्मचर्यों को देना, तो वहाँ पर महावीर जयंती की दीक्षा हो गई और वाचना उस समय चलती थी सिद्धांत ग्रंथों की। तो उस समय हमने याद किया था, देखो मुंगावली देवगढ़ से तो हम गए हैं, वहाँ पर होने की संभावना लगती है, किंतु योग ऐसा होता है पुनः ललितपुर में ही दूसरी वाचना भी हो गई। कोई अनिवार्य सी गर्मी बहुत पड़ रही थी और संग में महाराज को कुछ ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, तो वहीं से ललितपुर ही आना पड़ा। उस समय हम कह नहीं सकते, कहीं तो और रोएंगे आप लोग। हाँ, तो ऐसे योग रहते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो पुण्य का अर्जन हुआ है, जो पाप के प्रक्षालन हेतु, वह खर्च नहीं होता, नहीं समझे, वो खर्च नहीं होता, वह पाप को निकालने के लिए ही होता है। तो पाप कर्म जो अर्जित है उसको निकालते चले जाओ तो पुण्य का तो बंद हो भी रहा है और खर्च भी नहीं हो रहा। प्राय करके बुंदेलखंड के लोग ये क्या ये चाहते हैं कि पाप का प्रक्षालन होता चला जाए और हमारे पुण्य की गठरी वैसी बनी रहे, तो खाओगे कब बोलो? दान इत्यादि के माध्यम से करोगे तो पुनः बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ तो बढ़त क्रम चलता है, अभी तो आप प्रतिशत में बढ़ा रहे हो। हमारा तो कहना है गुणित क्रम से बढ़ना चाहिए, गुणित क्रम जानते हो क्या? नहीं,
गणित भी कुछ जान करो। हाँ गणित जो है गुणित क्रम से चलता है, तो गुणा तो गुणा 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 ही होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग प्रतीक्षामान है, किंतु यह एक लोगों ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा किया आपने, किसी भी प्रकार से भूल से सही आ गए। सुनो आ तो गए, दूसरा क्या कहता महाराज इनके यहाँ भूल से सही, हमारे भी भूल से आ जाओ तो अच्छो अच्छा। क्यों नहीं आए भैया, दिन में भी स्वप्न देख रहे हो, रात में भी स्वप्न देख रहे हो, नहीं समझे? और पूजा होती नहीं कहते हैं हम, रात भर जो है आरती उतारते उतारते रह गए हम, नींद ही नहीं आए, और फिर बाद में पूजा भी सपने में हो गए। तो हमने पूछा भैया बंधु आपको तो नींद ही नहीं आई, तो निद्रा में पूजा कैसी हो गई? सपने में इसका अर्थ यह है कि थोड़े बहुत झोंके भी लेते रहते हो। इसका अर्थ ये है कि आप बैठे बैठे रहते हैं, किसी भी प्रकार से हमें भी योग मिले, हमें भी योग मिले। हम क्या करें बताओ, है नहीं समझे? हम करें भी क्या, हम अपने तरफ से भावना रखते हैं कि सबका सबके भाव पूर्ण हो जाए, इसमें क्या बात हो गई? इसी प्रकार आप लोगों भी यह समझो कि हाँ हमें भी मिल जाए, सबको मिल जाए, ये भावना रखोगे सबसे ज्यादा बहुत धर्म बड़ा होता है कि हमारे चाहिए नहीं, सबको मिल जाए। सब में आप नहीं आओगे क्या? नहीं आए, सब में तो सब आ ही गए। हाँ तो ये सब का अच्छा शब्द है, सब सब हो जाए, सब उत्तीर्ण हो जाए, सब पास हो जाए और सबका कल्याण हो जाए, इसी का नाम संतों ने और भगवंतों ने कहा है ये धर्म ध्यान है। बाकी सब कुछ जो है करना है वो केवल धर्म ध्यान के उद्देश्य को लेकर के ही करना है, उसी के माध्यम से कर्मों की निद्रा होती है। आप लोगों के उत्साह, आप लोगों की लगनशीलता, आप लोगों की कर्मठता आदि आदि देखने से ऐसा लगता है कि पंचम काल में भी चतुर्थ काल आ सकता है। और कौन सा चतुर्थ काल? सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है? हमारे मूक माटी में लिखा गया है कि पंचम काल उसको बोलते हैं जिसको अच्छी बात भी बुरी लगती है, तो बुरा 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 ही सोचता जाता है, उसका नाम चतुर्थ काल हो करके भी पंचम काल चलता रहता है। और जिसको बुरा भी बुरा सा लगता है तो उसका नाम है चतुर्थ काल। आप कौन सा चाहो? हाँ इसलिए कुछ भी हो जाए ठीक, बहुत सच्चा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसी भावना से ही धर्म ध्यान होता है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को जल्दी जल्दी मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। महाराज आपको अब ये तो बात है, ये हाँ सभी के लिए, ऐसे नहीं एक व्यक्ति का नाम नहीं ले, समष्टि, हमारे यहाँ तो समूह का नाम ही सब कुछ है, समूह से ही काम होता है, लोकतंत्र में भी समूह ज्यादा काम करता है, सब मिलकर के काम कर रहे हो, बहुत दिन दोगुनी और रात चौगुने, नहीं समझे? आप उस जड़ दुकान की बात करते हो और हम तो चेतन की बात करते हैं,
जो उसकी बात करो जिसके लिए सब कुछ ये होता है। ऐसे आत्मतत्व के विकास में जो विकसित हो गए हैं उनको ध्यान करना है और उनको मन में लाना है, और जिसको थोड़े से अभावग्रस्त है उसके लिए भी सहयोग देना है, उत्साहित करना है। इस प्रकार मिल करके आप चलेंगे बहुत जल्दी, काल की अपेक्षा से नहीं, काल में तो होता है किंतु काल नहीं, काल का सदुपयोग करके प्रत्येक क्षण का धर्म ध्यान करने से हमारा विकास होने वाला है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अभी एक बताना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को भी लग जाए। एक परिवार ने सौधर्मेंद्र बनने का जो ठान लिया था वह सागर में, अब दोनों भाई लड़ रहे हैं काय के लिए, बोलो सुनो। ये लड़ाई अलग है कि बड़े भाई कहते हैं ने हम छोटे भाई को ही सौधर्मेंद्र बनाएंगे, और छोटा भाई कहता है कि नहीं हम तो बड़े को ही बनाएंगे। ये ऐसा होड़ लगी है, कई लोग कहते हैं कि हमें बना दो हमें बना दो, यही चतुष्काल है। हाँ तो मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मैं कुछ नहीं हम सब कुछ है, हम में सब में सब आ जाते हैं, और मैं में रावण बन जाता है। आपको राम बनना है कि रावण? राम, तो जय श्री राम बोलो। बिल्कुल ऐसे उदारता हमारे जीवन में आना चाहिए। बीच रागी वह राम भगवान की कथा पढ़ने से ज्ञात हो जाता है, महावीर भगवान और विष्णु भगवान ये तो हुए हैं, लेकिन श्री राम जी ऐसे हुए हैं कि वह सामान्य बलदेव होते हुए भी उनका ऐसा तेज पुण्य था, उनका ऐसा तेज पुण्य था। आज भी महावीर भगवान से पहले हुए हैं राम, किंतु अभी हर मुख से राम निकलता है। हाँ बिल्कुल, अच्छा इस मंच का नाम भी राम है बताते हैं। सुनो, जो ताली बजाने वाले प्रत्येक व्यक्ति बैठा है भीतर, वो भी श्री राम है, आत्म राम है। तो वह ऐसे राम है कि वह नहीं मैं नहीं सब कुछ है, आपके प्रत्येक आत्मा का